हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं ये जो पार्ट है अभी जो मैंने डैफ्ने और मोइना का कल्चर का पार्ट जो अपलोड किया है, वो जो प्रोसीजर था वो प्रोसीजर है यीस्ट और स्पायरुलिना का कॉम्बिनेशन के बारे में। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन करके हम उनको फीड करवाते हैं और उसमें परफेक्ट प्रोपोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर प्रोपोर्शन बढ़ गया, खाना जो आप खिला रहे हो डैफ्ने और मोइना को वो ज़्यादा हो गया, तो पानी का फर्मेंटेशन ज़्यादा होगा, उसकी वजह से कल्चर क्रैश होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो कल्चर के बारे में ही बना रहा हूँ। ठीक है, जो डैफ्ने और मोइना का जो कल्चर है वो करने के प्रोसीजर के बारे में बना रहा हूँ, लेकिन इसमें जो हम फीड यूज़ करेंगे वो हम यीस्ट और स्पायरुलिना ये सब चीज़ यूज़ नहीं करेंगे, जिसके वजह से हमें टेंशन ना हो कि कल्चर क्रैश हो जाए। ठीक है, ये एकदम सिंपल मेथड है, लेकिन थोड़ा सा लेंथी मेथड है। ठीक है, ये आप अच्छी तरह से समझ लोगे कि ये प्रोसीजर क्या है, तो और आप ये अच्छी तरह साइकिल बना लोगे फीडिंग के लिए, तो आपको सक्सेस 100% मिलेगा और लाइफ टाइम के लिए बिना क्रैश हुए, कल्चर्स बिना क्रैश हुए आप अच्छी तरह से मेंटेन कर पाओगे। ठीक है, तो आपको अगर यीस्ट और ये अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो मेरे चैनल पे यीस्ट और स्पायरुलिना के कॉम्बिनेशन का भी वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप वहाँ भी जाके देख सकते हो जो भी आपको नॉलेज चाहिए मोइना और डैफ्ने कल्चर इनके बारे में। ठीक है, लेकिन ये भी प्रोसीजर आप देख लो, ये जो प्रोसीजर है ये एकदम सिंपल प्रोसीजर है, लेकिन लेंदी है, लेकिन लाइफ टाइम के लिए आपका एक बार कल्चर आपने कल्चर कर लिया एक टब में, तो उसमें क्रैश होने के चांसेस 80% कम हो जाए। ठीक है, तो ये अच्छे तरह समझ लो, फीडिंग करने की ज़रूरत यीस्ट और ये फीडिंग करके पानी फर्मेंट होने का चांसेस कम हो जाएगा। तो ये प्रोसीजर में हम जो फीड यूज़ करेंगे, ये यूज़ करेंगे ग्रीन वाटर। देख लो ये क्या है, ये है एल्गे वाटर, ग्रीन वाटर। ठीक है, अभी ये ग्रीन वाटर आप कहाँ से लाओगे, ये क्वेश्चन रहेगा, राइट। ये हम कहाँ से लाएंगे, नहीं हम ये बनाएंगे, और ये हम क्वांटिटी में भी बना सकते हैं, आप कम क्वांटिटी में बना सकते हैं। ठीक है, ये मैंने जो बनाया है, जो बिस्लेरी का 5 लीटर्स का जो जार रहता है, राइट, उसमें मैंने इतना कल्चर बनाया, इसमें से मैंने आपको दिखाने के लिए ग्लास में लाया। ठीक है, लेकिन ये 5 लीटर्स का जो जार है, जो बड़ा रहता है, उसमें कल्चर अच्छी तरह से बन जाता है। ठीक है, तो आपको प्रोसीजर क्या करना है मैं आपको बता। ठीक है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़, बिस्लेरी का बॉटल लो और उसमें जो फिश एक्वेरियम का जो आपका पानी है जो बहुत पुराना है, उसका फिल्टर जो रहता ना पानी, एक्वेरियम का फिल्टर, वो अच्छी तरह से एक सेपरेट पानी में, फिश के ही पुराने पानी में वॉश कर दो। ठीक है, उसमें पूरा गंदा आ जाएगा, जो भी फिल्टर है या कैनिशियल फिल्टर है का, तो उससे जो उसका क्लीनिंग करवा लो, वो जो पानी है वो साइड में ले लो, आपके पास जो कुछ टाइप का फिल्टर है। ठीक है, नहीं रहेगा फिल्टर तो पुराना पानी पूरा का पूरा यूज़ करो। ठीक है, जो गंदा पानी है फिश का वो यूज़ करो। अभी दूसरा स्टेप, वो अच्छी तरह से कॉटन की क्लॉथ से छान लेना है, जो पॉटी रहेगा या गंदगी रहेगी वो नहीं आना चाहिए, लेकिन उसके पार्टिकल्स और उसके जो बैक्टीरियाज रहते हैं वो आने चाहिए पानी। ठीक है, तो एक कॉटन का अच्छा क्लॉथ लो, उसमें से वो आप फिल्टर करके वो पानी वो 5 लीटर्स के जार में भर लो। और कैलकुलेशन कैसे करना है, पहले 5 लीटर्स का जार भर लो, थोड़ा पानी कम रखो और वो पानी में अच्छी तरह से फिल्टर वॉश कर लो और फिर से वो पानी उसमें रिफिल कर लो वो जार में। दूसरा चीज़, आपके पास कोई भी लाइव फीड रहेगा या फॉर एन एग्जाम्पल ऐसा पकड़ लो ड्राई फीड रहेगा, ठीक है, लाइव फीड ड्राई फीड दोनों चलता है, लेकिन वो जो फीड रहता है वो ख़राब होने वाला चाहिए। ठीक है, वो जो मतलब थोड़ा रॉट होना चाहिए, थोड़ा डीके होना चाहिए, तो वो आप फीड यूज़ करोगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, वो आपको उस पानी में बहुत कम मात्रा में डालना है, मतलब दो अगर बॉल्स है आपके फीड के, जैसे वो बहुत ब्रांड आते हैं जिसके बॉल्स रहते हैं, राइट, आप एक 10-12 बॉल डाल दो, ठीक है, क्रश करके डाल दो। ठीक है, वो नहीं आपके पास जाट कोई पाउडर है, 2-4 चुटकी डाल दो, अच्छी तरह से मिक्स करो। ठीक है, और वो जहाँ पे डायरेक्टली धूप पड़ता है, ठीक है, डार्क एकदम गर्म होता है पानी, वहाँ पे रखो उसको। बॉटल को ध्यान से सुनो, बॉटल को ढक्कन नहीं लगाना, बॉटल को ढक्कन लगाओगे तो ऑक्सीजन रिप्लेसमेंट नहीं होगा, एल्गे नहीं बनेगा। आपको क्या करना है, कॉटन का अच्छा क्लॉथ लो, ऊपर रबर बैंड से वो अच्छी तरह से पैक कर दो, जिसके वजह से क्या होगा, आपका जो पानी में जो ऑक्सीजन रिप्लेसमेंट रहेगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन ये जो रिप्लेसमेंट रहेगा, राइट, ये अच्छी तरह से होगा, जिसके वजह से एल्गे बनेगा अच्छी क्वांटिटी में। और जो डार्क, जो ये डार्क जो कलर दिख रहा है ना आपको, ये अगर आपको डार्क कलर चाहिए तो आपको फीड देना पड़ेगा, जो भी अपने पास फिश फूड है वो आप पैलेट डाल दो। और
और जल्दी बनाना है। आप दूसरा चीज इसका, आप लोग आपके पास अगर मनी प्लांट रहेगा, ठीक है, मनी प्लांट जो घर में रहता है, राइट, पैथोस बोलते हैं उसको, वो एक एक जो शूट रहता है, शूट मतलब एक जो मनी प्लांट का पौधा रहता है, वो उसमें डाल दो, उसके रूट्स उसमें डाल दो, तो वो भी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स बनेगा, वो भी उसके वजह से भी आगे बनता है, लेकिन वो थोड़ा लॉन्ग प्रोसीजर है, उससे अच्छा आप वो यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास आपका नहीं हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल पकड़ लो कि नहीं हो रहा है आपका, बहुत एक 15 दिन हुआ लेकिन आगे बना ही नहीं, ऐसा होगा नहीं, ये तो 100% श्योर है नहीं हो रहा है, फिर भी तो जो अपना नॉर्मल जो मिट्टी आता है अपने गमले में, जो मिट्टी रहता है या पॉट में जो हम पेड़ लगाते रहे, उसके मिट्टी का एक चम्मच उसमें डाल दो, बस न्यूट्रिएंट्स वैल्यू बढ़ जाएगा पानी में, जिसकी वजह से आगे बनेगा। अगर हम पकड़ लेंगे तो भी नहीं हो रहा है, ठीक है, अभी फिश फूड डाला नहीं हुआ 15 दिन में, आपका सॉइल डाला आपने, जो गमले का मिट्टी है वो डाला, नहीं हो रहा है, ठीक है, वो भी पकड़ लो। सबसे लास्ट ऑप्शन हमारे पास है, इसके आगे कोई ऑप्शन मेरे को पता नहीं है, अगर होगा भी तो मैं क्या करता हूँ, अगर नहीं हो रहा है तो हम मोस्टली NPK जो बोलते हैं, NPK जो हमारे नर्सरी में मिल जाता है पैकेट छोटा 10 रुपये का, वो NPK के हम चार पाँच दाने जो रहते हैं, हम वो दाने उसमें डाल देते हैं, ठीक है। तो मोस्टली वो दाने की वजह से क्या होता है, न्यूट्रिशन वैल्यू पानी में क्या बढ़ जाता है, जितना पानी में न्यूट्रिशन बढ़ जाएगा उतना अलगे होने का चांसेस भी बढ़ जाएगा, उसके वजह से ज़्यादा अलगे होंगे, ठीक है। तो ये ध्यान में रखो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ न्यूट्रिएंट्स पानी में अच्छा चाहिए, पानी में न्यूट्रिएंट्स अच्छा चाहिए। दूसरा चीज़ पानी में न्यूट्रिएंट्स होना भी ज़रूरी है, जितना इम्पोर्टेंट एल्गे के लिए फूड होना भी ज़रूरी है, ठीक है। एल्गे के लिए फूड जो रहेगा, हम जो पैलेट्स यूज़ करेंगे वही एल्गे के लिए फूड होगा, राइट। तो पैलेट्स डाल दो, और ज़्यादा पैलेट्स डालने की ज़रूरत नहीं, जितना ज़्यादा डालोगे उतना ज़्यादा ग्रीन वाटर होगा, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। पानी में न्यूट्रिएंट्स डालो, फूड डालो, अलगे फूड खाएगा, उसके बाद वो न्यूट्रिएंट्स जो NPK आप डालोगे या मिट्टी के एक मिट्टी चम्मच मिट्टी डालोगे, उसके वजह से न्यूट्रिएंट्स आएगा, उसके वजह से भी अलगे बनना चालू हो जाएगा, ठीक है। एक बार अलगे बनना चालू हो जाए वो जल्दी मरता नहीं, वो उसका लेयर बढ़ते जाता है। तो आप उसमें ही फिश का वाटर, आप जितना भी यूज़ करोगे उतना फिश का वाटर फिर से ऐड करोगे, ठीक है। या आपको और एक कल्चर बढ़ाना है तो और एक बॉटल लो, उसमें एक 2-3 ग्लास ग्रीन वाटर डाल दो, उसमें फिश का पानी भर दो, फिश फूड डालो, NPK डालो, खत्म, आपका ग्रीन वाटर बनना चालू हो जाएगा। वो जल्दी बनता है क्योंकि उसमें कल्चर है। अगर आपके पास कल्चर नहीं है तो ये पहला वाला प्रोसीजर था, कल्चर है तो वो वाला प्रोसीजर है। आपके पास अगर फास्ट करना है तो कहाँ पे भी जाओ, आपको आजू बाजू के पॉन्ड जो रहते हैं, जो तालाब रहते हैं, उसमें भी ग्रीन वाटर रहता है, राइट, उसका एक बॉटल भर के लाओ, उस 5 लीटर के बॉटल में डाल दो, वहाँ से भी कल्चर होना चालू होगा। कहाँ से खरीदने की जरूरत नहीं है ग्रीन वाटर, ये ग्रीन वाटर के बारे में मैंने बहुत मार्केटिंग देखा है कि लोग ये ग्रीन वाटर सेल कर रहे हैं, ये कुछ लेने की जरूरत नहीं। अगर वो कोलेरा वाटर है तो अलग चीज़ है, लेकिन आप एल्गे वाटर खरीदने की जरूरत नहीं, आप खुद बना, ठीक है। वो जब एक हफ्ता जाएगा, और ऐसा कभी नहीं होता है कि एल्गे वाटर बन रहा ही नहीं है, लेकिन देखो एल्गे वाटर बनता है ये तो 100% श्योर है, लेकिन अगर आपका जो वेदर रहेगा, वेदर कंडीशंस कोल्ड रहेंगे, ठंडी में पकड़ लो, विंटर सीजन में अगर आपका धूप कम निकल रहा है तो एल्गे वाटर बनेगा, लेकिन बहुत लेट बनेगा, बहुत स्लोली बनेगा। तो आपको एल्गे वाटर के लिए सबसे पहला क्या करना पड़ेगा, एक बल्ब लगाना पड़ेगा जहाँ पे 24 आवर्स आपको लाइट दे रहे हैं आप, उसकी वजह से एल्गे बनेगा। आपको उतना फास्ट प्रोसीजर नहीं चाहिए, आराम से होने दो, मेरे को कुछ लेना देना नहीं है, आराम से बनने दो, तो आप 15 दिन रुक सकते हो, 15 दिन में खुद ब खुद ग्रीन वाटर बन जाएगा, डन। एल्गे वाटर बनाना बहुत सिंपल है, और वो अगर आप मोइना और डाफनिया को फीड करोगे तो सक्सेस 100% श्योर। आपको मोइना और डाफनिया कल्चर करने में कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि वो सबसे बेस्ट फूड है डाफनिया और मोइना कल्चर को ग्रो करने के लिए और मल्टीप्लाई करने के लिए। यीस्ट और ये जो सैलून है, ये भी अच्छा ही कॉम्बिनेशन है, इसका कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट तो वाटर का जो कंडीशन है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, राइट, डाफनिया और मोइना कल्चर में। जैसे फर्मेंट नहीं होना चाहिए, ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप नहीं होना चाहिए, ये चीज़ जो एल्गे का प्रोसीजर है ये यहाँ पे बहुत हेल्पफुल है। तो आप एल्गे अगर फीड करोगे, अच्छा कल्चर होगा, अच्छा क्वांटिटी मिलेगा, फीड भी कर पाओगे, कल्चर क्रैश होने की जो डर रहता है वो भी आप मतलब डरने की जरूरत नहीं है, 110% श्योर है कि आपका कल्चर क्रैश नहीं होगा, ये मेरी गारंटी, ठीक है। और आपको और कुछ जानना है, कोई और कल्चर्स के बारे में जानना है तो कमेंट्स में डाल दो, मैं उसके बारे में बताऊंगा। अभी मैं जो वीडियो बनाने वाला हूँ वो ग्राइंडर वर्म्स के बारे में बनाने वाला हूँ, ग्राइंडर वर्म्स का जो कल्चर है वो भी मैं आपको बता मतलब एक्सप्लेन करूंगा, जिसके वजह से मतलब आपको जो
एक जुवेनाइल फ्राइज है या जुवेनाइल फिशेज है जो छोटे हैं जिनको ग्रो करना है, उनको हाई प्रोटीन फूड लगता है, लेकिन डाइजेशन का सिस्टम में उनको हार्ड डाइजेस्टिव फूड जो रहता है जैसे पैलेट्स वगैरह रहेंगे ये बहुत हैवी रहते हैं, राइट। तो ये इसके वजह से फिशेज के बेबीज मरते हैं, जो जुवेनाइल से वो मरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे ग्राइंडर वर्म्स ये जो कल्चर है वो बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है, जहाँ पे प्रोटीन कंटेंट अच्छा रहेगा और अच्छी तरह से फिशेज ग्रो भी कर पाएंगे विदाउट एनी डाइजेस्टिव इश्यूज। तो और कोई क्वेश्चंस रहेंगे ये ग्रीन वाटर के बारे में, और नहीं हो रहा है कुछ नहीं हो रहा है मतलब आपको हेल्प लग रहा है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल दो, मैं आपको रिस्पॉन्स दूंगा। और ये 100% श्योर इसके ये तो ग्रीन वाटर आपको कहाँ पे भी मिलेगा, ठीक है, आपके बाहर गार्डन में कहाँ पे पानी रख दिया आपने तो भी ग्रीन वाटर हो जाता है, राइट। तो ये आप यहाँ वहाँ से ढूंढ लो आपको ग्रीन वाटर वैसे मिल जाएगा, आपको नहीं तो खिड़की में रख दो या बालकनी में रख दो, कहाँ पे भी रख दो, ग्रीन वाटर के होने के चांसेस 100% रहते ही है। कॉम्बिनेशन क्या है, सनलाइट, न्यूट्रिएंट फुल ऑफ मतलब न्यूट्रिएंट जितना है उतना पानी में न्यूट्रिएंट्स अच्छा होना चाहिए और एल्गे के लिए फुल होना चाहिए, बस ये तीन कॉम्बिनेशन आ गए आपका एल्गे होना फिक्स, ओके। और कुछ क्वेश्चन है एल्गे के बारे में और कुछ कल्चर्स के बारे में क्वेश्चन है और कुछ ऐसा लग रहा है कि आपको जानना है लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो, मैं मेरे जो रिसर्चर्स है या मेरे जो पहचान के हैं लोग जो इसमें बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल है जिनको किसी चीज़ के बारे में मेरे को नहीं पता है तो वो उनसे पूछ सकता हूँ मैं, तो वो भी बताते हैं जो इंडिया के नहीं इंडिया से बाहर भी मेरे बहुत कॉन्टैक्ट के हैं जो डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर्स बनाते हैं फीडिंग के लिए, वाइट वर्म्स बोलते हैं कोई बीटल के जो लार्वेज बोलते हैं बीटल लार्वेज जो बोलते हैं ब्लैक फ्लाइज जो ब्लैक सोल्जर फ्लाइज के लार्वे बोलते हैं, राइट, बहुत टाइप्स ऑफ लाइफ फीड्स आते हैं। तो ये कैसे कल्चर करना है ये कैसे ब्रीड करना है ये सब चीज़ें आपको अगर जाननी है तो कमेंट बॉक्स में डाल दो मैं आपको रिस्पॉन्स दूँगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।